कार्रवाई और उत्पीड़न अन्याय हो रहा है। सर लगातार बहुत सारी इशू है, लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 3 साल से है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी बन गई। हम तो जानना चाहते हैं कुछ उपलब्धि अगर हो उनकी तो बता दो। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दे इसलिए लाए जा रहे हैं कि कोई इनसे किसान पे सवाल न करे, किसान सवाल न करे कि हमसे वादा तो किया था आपने कि सब कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन लघु और सीमांत की सीमा बांध करके और उसके अंदर भी सीमाएं बांध करके कितने किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। विकास पूरा ठप है, सड़कें हैं नहीं, बिजली आ नहीं रही, स्वास्थ्य सेवाएं ठप, ऑक्सीजन नहीं तो बच्चे मर गए। इन सब से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल ला रही है। ये कौन बोल रहा है? अभी हमारे बोलने के बाद, हमसे पूछने के बाद किसी पुलिस अधिकारी से पूछ लेना कितनी धूमधाम से ये थानों में जन्माष्टमी मनाते हैं, कितने धूमधाम से त्योहार होते थे। मैं आपको कह रहा हूं कि किसान कर्ज माफी के इंतजार में है, ये कर्ज माफी नहीं कर पा रहे हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही। और अरे कृष्ण भगवान और हमारा रिश्ता, ये तो उनका हो ही नहीं सकता। और कृष्ण भगवान रिश्ता और समाजवादियों का रिश्ता और हमारा रिश्ता वो खुद जानते हैं, इसलिए ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए ये बातें कही जा रही। हम तो कह रहे हैं कि कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है और कितने किसानों का और लाभ मिला है जिससे कि उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है। मैं आपसे कह रहा हूं एकदम ध्यान मत हटाइए। जो छात्र नौजवान नौकरी मांगने गए उन पे लाठी पड़ गई, पुलिस भर्ती वालों पे लाठी पड़ गई, शिक्षा मित्रों पे लाठी पड़ गई, बीपीएड वालों पे लाठी पड़ गई, अभी तो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, चौकीदार हैं, रसोईया हैं, वो भी तो अपनी मांग लेकर के आएंगे। उनका भी तो भला हो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी का हो और सबसे इन्होंने वादा किया है, बताओ शिक्षा मित्र का क्या होगा? बेचारे अभी भी कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं।